हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों के इन्फॉर्मेशन फोरम में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी आंसर की को लेकर न्यूज पर न्यूज आ रहा है, क्योंकि इसका जनवरी का फर्स्ट वीक में इसका आंसर की रिलीज होने वाला है और इसका लास्ट वीक में जो है इसका रिजल्ट भी पब्लिश्ड हो जाएगा। आइए मैं आपको इस न्यूज़ से संबंधित पूरी डिटेल आपको बता दूँ, कब इसका रिजल्ट और आंसर की का डेट जो है कन्फर्म हो गया है, कब पब्लिश्ड होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, रेलवे से जुड़ी अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए आपको बताते हैं पूरी डिटेल दोस्तों, कब ये रिजल्ट पब्लिश्ड होगा और कब इसका कन्फर्म डेट आ गया है, कब इसका आंसर की पब्लिश्ड होगा और ऑब्जेक्शन के लिए क्या डेट रखा गया है, कब आप अपना क्वेश्चन ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग यहां पे देख रहे हैं दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी, ये हिंदुस्तान का जो आप न्यूज़पेपर है उसमें आप देख सकते हैं, वहां पे भी ये छपा हुआ है हिंदुस्तान के न्यूज़ से। मैं आपको बता रहा हूं, आरआरबी ग्रुप डी आंसर की 2018 कन्फर्म, इन दिन जारी होगी ग्रुप डी की उत्तर कुंजी यानी कि आंसर की। तो ये किस दिन जारी होगी वो हम आपको बता देते हैं। आरआरबी ग्रुप डी आंसर की जो है दोस्तों कन्फर्म हो गया, इसका डेट जो है 11 जनवरी को रखा गया, 11 जनवरी को इसका आंसर की रिलीज होगा और बोर्ड ने ग्रुप डी के पोस्टों के लिए 17 सितंबर से लेकर 17 दिसंबर तक इसका सीबीटी एग्जाम लिया गया था। ये तो पहले से सबको मालूम है, और 11 जनवरी को इसका जो है आंसर की रिलीज कर सकती है उम्मीदवार। किसी भी प्रश्न के आंसर की अपनी अपनी वेबसाइट यानी कि ऑफिशियल जो आप जोन भरे हैं, जिसका अपना अपना जोन भरे हैं, उस जोन पे जाके आप अपना देख सकते हैं दोस्तों। जैसे इसका पब्लिश्ड होगा, हम आपको अलग से एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे आपको सारा लिंक दे देंगे, सारा आरआरबी जोन वाइज का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है आसानी से देख सकते हैं अपना आंसर की और अपना जो है ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। तो 11 जनवरी को जारी कर सकती है और इसके लिए ऑब्जेक्शन के लिए आपको 7 दिन का समय दिया जाएगा, यानी कि 17 सितंबर को आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी दोस्तों 17 जनवरी को। उसके बाद यहाँ पे उम्मीदवार को आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर अपना चेक करना होगा। तो कौन सी वेबसाइट, जैसे आप जो भी जोन भरे हैं, आरआरबी मुजफ्फरपुर, आरआरबी पटना या भागलपुर या चेन्नई, जो है आपको ऑफिशियल साइट पर जाना होगा। और इसका रिजल्ट की अगर हम बात करें तो इसका रिजल्ट है दोस्तों जनवरी के लास्ट वीक यानी कि आपको लास्ट वीक में आ जाता है, आपको 25 से लेकर आप देख सकते हैं 31 तारीख तक आप जो है इसका रिजल्ट आने की संभावना है, ठीक है दोस्तों। तो इसके जनवरी के लास्ट वीक में इसका रिजल्ट भी आ जाइएगा। तो अप टू डेट के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। तो दोस्तों जल्दी इसका रिजल्ट पब्लिश होगा आंसर की, तो हम आपको ज़रूर नोटिफिकेशन देंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।